जय माता दी। मैं हूँ सरोज, कुपी सरोज में आप सबका स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपके लिए तिरंगा इडली बनाऊंगी और वो आपको सिखाऊंगी, उसी तरीके से आप बनाइए। चलिए मैं चलती हूँ आपको लेके अपने किचन की तरफ। चलिए दोस्तों, यहाँ मैंने इडली के लिए बैटर बना लिया। ये मैंने आधा घंटा पहले बना के रखा हुआ था और मैं आपको ये भी बता देती हूँ मैंने इसमें कितना सामान डाला था। ये मेरा मेजरमेंट है, इसको मैंने इसमें तीन इसको भर के सूजी ली थी और इससे हाफ मतलब डेढ़ हमने दही लिया था अपना और इसको दो भर के मैंने इसका बैटर इसको इसमें डाल के और इसका हमने बैटर बना लिया था। इसको मुझे हो गए हैं आधा पौना घंटा भिगोए हुए। इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। सूजी हमारी फूल गई है। चलिए अब हम इसमें डालते हैं नीनो, ये हमारी इडली को फुलाने में हेल्प करेगी। चलिए मिला लेते हैं इसको अच्छी तरीके से, इसको फेंट लीजिए। इसे अलग से दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा हम अपना व्हाइट ही रखेंगे, इसमें दोस्तों हम डालेंगे अपना हरा कलर, इसको मिक्स कर देंगे। जो तिरंगे में हमारा ग्रीन कलर आता है इसी तरीके का हमें कलर लाना है। यहाँ पे हम बना रहे हैं तिरंगा इडली, कलर थोड़ा लाइट लग रहा है, हल्का सा और डाल देंगे। जो इस बैटर का चम्मच है फ्रेंड्स उसको इसी में ही रखेंगे, आपस में एक दूसरे में इसको मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो हमें जो कलर चाहिए वो कलर हमारा नहीं आएगा। चलिए ग्रीन कलर हमारा बनके तैयार हो गया। अब चलते हैं हम इस पे, हम अपना डाल रहे हैं रेड कलर जिसमें बनके केसरी कलर हो जाएगा। इसके लिए हम अलग चम्मच लेंगे, इसे मैश कर लेंगे। देखिए हमारा केसरी कलर आ रहा है। चलिए तीन कलर हमारे तैयार हो गए हैं केसरी व्हाइट। चलिए अभी इसे हम सांचे में डालते हैं। पहले यहाँ पे हम हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी इडली इसमें चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। चलिए डालते हैं हम पहले ये कलर, इसके बाद डालेंगे व्हाइट। इसके बाद डालेंगे ग्रीन। चलिए एक तो हम इस तरीके से बनाएंगे, एक मैं आपको और बता देती हूँ। कलर आपका ठीक से ना फेटा हो तो इसे दोबारा फेट लीजिएगा। तो ये देखिए मेरा भी थोड़ा सा रह गया है, अगर कोई चीज कमी रह जाती है तो उसे मैं बता देती हूँ उसी टाइम। एक इस तरीके से बनाएंगे हम केसरी। देखिए दोस्तों आ गया ना हमारा तिरंगे का कलर। लगाते हैं हम दूसरा, इसे भी हम ग्रीस कर लेते हैं। ये बन गया हमारा झंडे का कलर। सेट कर देंगे। चलिए यहाँ हम अपना पानी गर्म करेंगे। पहले मैंने पहले से ही रख दिया था थोड़ा गर्म होने के लिए। अब इस सांचे को हम इसमें रखेंगे। और अब इसको 20 मिनट के लिए हम ढक देंगे। चलिए आपको मैं मिलती हूँ 20 मिनट के बाद, अपनी इडली तैयार हो जाएगी के बाद हम इसको सर्व करेंगे। हम अपनी इडली चेक कर लेते हैं टूथपिक की सहायता से। आप इस तरीके से अंदर इसको डाल के देख लीजिए, अगर ये ऐसे ही निकल आती है तो इसका साफ है, देखिए बिल्कुल क्लीन है, तो इसका मतलब ये बन चुकी है। चलिए अब हम अपनी इडली सर्व करते हैं। देखिए कितनी सुंदर हमारी इडली निकली है। ये देखिए इस तरह से हमारा
ब्लैक कितना अच्छा बन रहा है, देखिए ये देखिए है ना। देखिए फ्रेंड्स एक इस तरीके से बनाया है मैंने, देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है ना, पूरा हमारा तिरंगा झंडा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये देखिए कितनी स्पॉन्जी इडली बनी हमारी, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। ये इडली हमारी बनके तैयार हो गई है, तिरंगा इडली। बस इसी तरीके से आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए। मेरे और मिट्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको ये जो मैंने इडली बनाई है ये मैं जवानों के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ जो सीमा पे तैनात हैं, हमारे देश की सेवा करते हैं, उन जवानों को मेरा सैल्यूट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपको मैं कुछ बोल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरा देश महान, जय हिंद जय भारत जय माता दी। जो हमारे जवान बॉर्डर पे तैनात हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, और मेरी तरफ से उन सबको सैल्यूट है। मेरे रोना हरा।